हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन कैसे करता है, ऑपरेट कैसे करता है एक ट्रांजिस्टर, वो हम सीखेंगे। क्वेश्चन आपका कभी कभार ऐसा आ जाता है बेसिक कि आप पहले कंस्ट्रक्शन बताएं ट्रांजिस्टर की, बेसिक बताएं ट्रांजिस्टर की, देन आप ऑपरेशन को एक्सप्लेन करें। ये पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन, 10 या 12 नंबर का आपका आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑपरेशन पार्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया है। पीएनपी के लिए भी ऑपरेशन आपका सेम रहेगा। होता क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके जो है एमिटर रीजन में इंजेक्ट होते हैं। जो आपका ये एमिटर रीजन है, ये एमिटर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू एमिटर रीजन बाय एमिटर बायस सप्लाई वीईबी। क्या होता है, एमिटर और बेस, इसके बीच में पहले हम सप्लाई रखते हैं कुछ। अब जो आपका नॉर्मल एक्टिव रीजन का ऑपरेशन होता है उसमें एमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस्ड और बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल को मैं नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दूंगा। ये मेरी वी ई बी हो गई। तो सबसे पहले जब मैंने ये ऑपरेशन किया, ज्वाइन किया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास सफिशियंट एनर्जी रहती है कि ये एमिटर बेस पोटेंशियल को, ये जो रीजन है इसको क्रॉस कर जाए। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर पी टाइप का मटेरियल है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां पर पी टाइप मटेरियल होने की वजह से यहां पर होल्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। अब होता क्या है आपका कि पी टाइप मटेरियल, आपको मैंने बताया था जो हमारा बेस है वो बहुत कम, आपका जो उसका डोपिंग लेवल है वो बहुत कम होता है। तो अगर मैं नॉर्मल देखता कि यहां पर जाके इनको जो है खत्म हो जाना चाहिए था। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस जरूर चेक करें, जितने भी वीडियोस हैं आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है। शेयर करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खत्म होने से मतलब इलेक्ट्रॉन आया और होल के साथ उसने बॉन्ड बना के न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था नॉर्मली तो, बट क्योंकि यहां पर डोपिंग लेवल बहुत कम है, तो होता क्या है, आपके मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से इधर गए तो जो ओनली 1 to 5 रिकम्बाइन होते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बट बाकी के आगे चले जाते हैं। मतलब 95 to 99 इलेक्ट्रॉन्स, 99% इलेक्ट्रॉन्स आपके आगे यहां पर कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां पर निकले, यहां से पास होके कुछ रिकॉम्बाइन भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ जो निकल के यहां पर आपके पहुंच गए। तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इनटू कलेक्टर रीजन ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस ऑफ बेस। क्योंकि बहुत ज्यादा थिक था और बहुत लेस डोप्ड था, डोपिंग कम थी, मतलब उसके अंदर जो होल्स थे वो पहले से ही बहुत कम थे, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ। 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें से 1 से लेकर 5 तक रिकम्बाइन हुए परसेंट, बाकी के सब सीधा कलेक्टर रीजन की तरफ पास आउट हो गए। अब कलेक्टर रीजन आपका जो होता है वो हमेशा आपका एक्टिव, अगर मैं बात करूं एक्टिव रीजन में काम करने की, एक बीजेटी के रिवर्स बायस्ड होता है। रिवर्स बायस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को मैं नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से लगाऊंगा,
और नेगेटिव एंड ऑफ द टर्मिनल को मैं पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से लगाऊंगा। तो ये जो कलेक्टर है ये रिवर्स बायस है, ये क्या करता है, एक बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना देगा आपका बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना दी कलेक्टर की रिवर्स बायसिंग ने। उससे क्या होता है कि ये जो फील्ड है आपकी इमीडिएटली कलेक्ट कर देती है, जो भी आपका डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन आया है, जो भी इलेक्ट्रॉन आया उसको तुरंत कलेक्ट कर लेगी, जो भी आपका कलेक्टर जंक्शन में एंटर करते ही तुरंत। तो दिस फील्ड इमीडिएटली कलेक्ट्स द डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन विच एंटर द कलेक्टर जंक्शन। तो कलेक्टर जंक्शन में जैसे ही आपका कोई इलेक्ट्रॉन आया उसको तुरंत डिफ्यूज कर देगी। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बचा है कि करंट कैसे कैसे आपका बनता है और कौन कौन से करंट्स होते हैं। सो ऑपरेशन हमने पढ़ लिया है। अब जो है तीन तरह के आपके करंट्स होते हैं, IE इज एमिटर करंट। तो एमिटर करंट वो है जो कि आपका बनाया एमिटर में जो भी आपने जैसे ही सप्लाई लगाई उसमें तुरंत करंट आया, IE एमिटर करंट। ये एमिटर करंट जो है ये आपका वोल्टेज की सप्लाई की वजह से आया। अब होता क्या है, आपके आपके ट्रांजिस्टर में दो तरह के करंट होते हैं एमिटर के अलावा, एक बेस करंट IB बोलते हैं जिसे, बेस करंट, और एक होता है IC दैट इज कलेक्टर करंट। अब बेस करंट कैसे बनता है आपका मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि यहां से मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेंगे तो एक से लेकर पांच इतना ही होता है, 1 to 5% रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर करंट बनता है जो बहुत ही कहते हैं बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं बेस करंट। और जो यहां पर डिफ्यूजन की वजह से बनता है उसको कहते हैं आप कलेक्टर करंट। अब जो आपका ये IE होता है फाइनल, जो आपका फॉर्मूला होता है IE, दिस इज एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये आपका बेसिक फॉर्मूला बनता है। तो आप वो समझाने के बाद पूरा ऑपरेशन ये फॉर्मूला भी दिखाएंगे, आप थ्योरी थोड़ी और बढ़ा के लिखें, जैसे मैंने थोड़ा बोल दिया है तो उसको भी आप अपने वर्ड्स में जब समझाएंगे पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।